मंडला जिले के अंजनिया बाईपास NH30 पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी नाराजगी के चलते नागरिक मंच ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम से नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण की मांग की। इस एक दिन का कार्यक्रम जो धरना प्रदर्शन जो शुरू किया है, अभी पूर्व में भी ये विज्ञापन देना या कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि दुर्घटनाएं होती रही हैं हमेशा, और ये दुर्घटनाएं ना हो इसलिए इस बार जो है हम लोग सभी गांव के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं लड़ेंगे इस बार कि हमें ओवरब्रिज ज़रूरी है, क्योंकि धन और धन की हानि हो रही है। आज कोई भी हो सकता है, शायद मैं भी हो सकूँ यहाँ पे, और आज मेरे बैठने का यही उद्देश्य है कि ओवरब्रिज को होना चाहिए। पूर्व में नहीं हुआ है ये नहीं पता है, पर अब होना चाहिए। शासन प्रशासन को ये ज़रूरी है कि आज ये जो एक दिवसीय शुरुआत किया है हम लोगों ने, तो ये चलता रहेगा और जारी रहेगा। आगामी जो भी प्रक्रियाएँ रहेंगी हमारी, वो हम लोग बिल्कुल पूरे कोशिश करेंगे और हम लोग डट के खड़े होंगे। ध्यान नहीं देती तो आगे क्या प्रक्रिया, आगे क्या आंदोलन बढ़ेगा? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग डटे हुए हैं और अब इस बार तो मन बना लिया है सभी ने कि इस जगह पे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि वो दुर्घटना के लिए हम लोग देखते हैं ना सामने से। पिछले बार ऐसे जब रोड पे एक खून की लेयर पड़ी थी, उसको शायद हम लोगों ने देखा है, किसी और को तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ बनना चाहिए, ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग सभी परेशान हैं। तो आज कहने का यही मतलब है कि कोई भी हो सकता है, तो ज़रूरी है कि ओवर ब्रिज होना चाहिए। नीतू मरकाम। आज ही मैंने देखा यहाँ पर कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो नागरिक मंच के हैं, ओवर ब्रिज की, फ्लाईओवर की मांग की जा रही है यहाँ पर, और इसके लिए धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा था और साथ ही में ज्ञापन भी दिया गया है मुझे। इस समस्त मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए मैं इस ज्ञापन को संबंधित प्रशासनिक और शासन के जितने हमारे पदाधिकारी हैं उन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी, और इस संबंध में जो कुछ भी बेहतर शासन की तरफ से हो पाएगा, शासन द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा, इसका भी आश्वासन निश्चित रूप से दिया जा सकता है। नहीं ऐसा तो नहीं कि आश्वासन ही हो। नहीं, आश्वासन के, आश्वासन एक प्राथमिक चरण है, उसके आगे की कार्यवाहियां भी अपने अपने स्तर पे होती रहेंगी। बहुत से ऐसे मैटर होते हैं जो पेपर फाइल में दब के रह जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा ना हो पाए इसके लिए हम सभी प्रयासरत रहेंगे, और यहाँ नागरिक मंच के सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विश्वास जताया गया है शासन पर, उस पर खरे उतरने का पूरा प्रयास शासन द्वारा भी किया जाएगा। नाम? साक्षी शुक्ला, नायब तहसीलदार अंजनिया। यहाँ पे जब से ये NH30 का निर्माण हुआ है तो आए दिन यहाँ पे वाहन की दुर्घटनाएं हो रही हैं। पहले भी यहाँ बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हो चुकी है, 25-25, 30-30 मवेशी एक साथ यहाँ पे काल के गाल पे समा गई ट्रकों की दुर्घटना होने के कारण, जनहानि भी हुई है, और अभी पिछले हफ्ते भी यहाँ पे प्रतिदिन एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और यहाँ पे जो है इधर उधर आइट साइड में गाड़ियाँ जो है एक्सीडेंट हो गई, और इस रोड की जो तकनीकी गड़बड़ी है कि यहाँ पे दोनों तरफ से जो है बीच में ढलान है और ये चौराहा है, और दोनों तरफ से ढलान होने के कारण गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ जाती है, और यहाँ जैसे ही ब्रेक मारते हैं अनियंत्रित होकर गाड़ी कहीं ना कहीं घुस जाती है, और उससे जनहानि होती है और जनधन की हानि होती है। इस बात की हम लोग यहाँ पे मांग के लिए धरना प्रदर्शन किए थे कि यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए, जो कि एकदम से दोनों तरफ से ढलान है और ये चौराहा है, तो यहाँ चौराहा पर अगर ओवरब्रिज का निर्माण हो जाए तो जो ढलान का लेवल है वो भी ठीक हो जाएगा, और नीचे से जो गाड़ियाँ हैं और मवेशी और लोकल जो आने वाले जाने वाले हैं उनका आवागमन नीचे से हो जाएगा चौराहा से, अहमदपुर और बंजी तरफ के लोगों का और मान तरफ के, तो हाईवे में आएंगे नहीं उन लोग, तो इससे दुर्घटना के जो है बहुत कम नगण्य संभावना हो जाएगी, और अभी जो है यहाँ पे आए दिन रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हम सब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों के द्वारा ये धरना आंदोलन किया गया है, और ध्यान शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास किया गया है कि यहाँ पे जो है ओवरब्रिज के निर्माण की जो हम लोग मांग कर रहे हैं, और अगर इसमें अगर ध्यान नहीं दिया गया
तो आने वाले समय में हम लोग पुनः और कुछ बड़े कदम उठाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, बड़े आंदोलन करेंगे, जिससे यहाँ मतलब हमारा अंतिम, जब तक कि यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो जाएगा, लगातार हमारा आंदोलन अलग अलग